कर्क राशि, चंद्रमा के तृतीय होने के कारण आर्थिक व्यय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने साथ काम करने वालों का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्य का प्रारंभ करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, लाभ के घर में गया चंद्रमा आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराएगा। बातचीत में बिल्कुल समय व्यर्थ आज मत करिएगा। पीले चावल का दान करिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, आज जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, नए आर्थिक स्रोत भी बनेंगे। क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। निर्धन व्यक्ति को धन का दान देकर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, कार्य की सिद्धि के लिए विशेष प्रयास आज आपको करना होगा। आज यात्रा से विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, अब आपसे जानना चाहेंगे अंतिम चार राशियों यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। धनु राशि, आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा शुक्र यद्यपि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब परिणाम देगा। शरीर में दर्द, बुखार और रक्तचाप से संबंधित समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभकारी परिणाम भी देगा। मकर राशि, संतान के घर में मजबूत शुक्र की अवस्था आर्थिक सफलता के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय सिद्ध होगा। अविवाहित जो जातक या जातिकाएं हैं उनके विवाह का अवरोध शुक्र समाप्त करेगा। नवविवाहित दंपति को संतान की प्राप्ति भी संभव है। कुंभ राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मजबूत शुक्र का गोचर जहां माता के सहयोग से बड़ा कार्य कराएगा, वहीं कहीं किसी महिला मित्र का विशेष सहयोग प्रदान कराएगा। लंबे समय से भूमि खरीदने की या भवन खरीदने की मनोकामना भी सिद्ध करेगा और नए वाहन का भी योग बनाएगा। मीन राशि, तृतीय भाव में आपकी राशि से गोचर कर रहा शुक्र अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ मानसिक मतभेद, अनावश्यक और व्यर्थ की यात्रा, भाई बहनों से मतभेद तथा शारीरिक रूप से भी नाक कान गले से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति से बचाव के लिए क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रहिए और नियमित रूप से सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिए।